सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था डेल्ट विद द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इट्स वेरिएशन विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स तो व्हाट वॉज देयर? द डिस्प्लेसमेंट वॉज गिवन बाय एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम एक्सपोनेंशियल टर्म सो दिस टर्म इज़ एम्पलीट्यूड और हमने इसमें क्या किया था फिर जेडम की वैल्यू को सब किया था और जब जेडम की वैल्यू को आप सब करोगे विच इज़ अंडर उर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाई ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ये सब शुरू होने के बाद आप ओमेगा को अंडर रूट के अंदर लेके गए थे और फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन ये निकल के आया था एफ नॉट बाई ओमेगा जब अंडूट के अंदर गया तो ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में गया था ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था और फाइनली एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन आपके पास ये आया था एफ नॉट बाय दस और इसको मैक्सिमम करने के लिए ए को मैक्सिमम करने के लिए आपको ये मिनिमम करना है और इसका मिनिमम करने के लिए आपने क्या किया था इसका डेरेविटिव जीरो कंसिडर किया था और वो जीरो किस ओमेगा के ऊपर आया था ओमेगा डैश दैट इज एस बाय एम माइनस आर स्क्वायर बाय टू एम स्क्यर अंडर उठो एंड एस बाय एम इज ओमेगा नॉट स्क्वायर उसके बाद आपने ये जब ओमेगा निकाल लिया जिस ओमेगा के ऊपर ए मैक्सिमम है उस वैल्यू को जब सब शूट किया था यहाँ फाइनली वी फाउंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्योंकि ये फ्रीकवेंसी डिपेंडेंट है तो इस ओमेगा डैश की वैल्यू को यहां सब शूट किया था और ए की वैल्यू जो मैक्सिमम बन जाएगी इस ओमेगा डैश के ऊपर वो हमने डिराइव कर ली थी उसके लिए भी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया था बट इस वक्त हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं जिस पर ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिम आया था इट इज ओमेगा डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्कू एम स्क्वायर इतना होने के बाद अब जो चीज आई है वो मैं क्वालिटी फैक्टर के साथ कुछ रिलेशनशिप बता रहा हूं किसका इस ओमेगा डैश का ओमेगा डैश क्या है द फ्रिक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज मैक्सिमम तो ओमेगा डैश आपके पास ये है एस माई एम माइनस आर स्क बाय टू एम स्क्र अंडर रूट एंड एस वाई एम ओमेगा नॉट स्क्र अभी मैंने आपको बताया और उसके बाद अंदर ही अंदर आप ओमेगा नॉट स्क्वायर अब है नहीं फिर भी हम कॉमन निकालने की बात करेंगे तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है जैसे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू तो एम स्क्र रेस्ट पावर वन बाय टू एंड इट इज ओमेगा डैश तो हमने क्या किया अंदर ही अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ ये वन माइनस आर स्क्वायर बाय टू एम स्क्र तो यहां ओमेगा नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा एंड होल रिश्त आप ऐसा भी कह सकते हो यहां हम ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो जब ओमेगा नॉट स्केयर कॉमन जाएगा तो ये ओमेगा नॉट स्केयर यहाँ रह जाएगा आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं तो जहां तक सवाल क्वालिटी फैक्टर का है क्वालिटी फैक्टर इज एम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आर तो अगर मैं इस हिस्से को देखूं, इट्स स्क्वायर ऑफ एम ओमेगा नॉट बार इसका स्क्वायर है हालांकि ये जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है एम ओमेगा नॉट डिड बार स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर, वन माइनस वन ओवर टू क्यू स्क्वायर वन बाय टू और ये जब वन बाय टू दोनों के ऊपर ये आप लेके जाओगे तो यहाँ ओमेगा नॉट रह जाएगा और अंडर रूट इसके साथ आ जाएगा तो हमने वही किया ये पहले ओमेगा नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाला ठीक है और इसमें हमने पहले कर दिया रादर वन बाय टू पावर तो कोई बात नहीं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर का ओमेगा नॉट रह गया और ये वाली टर्म इसका अंडर रूट फिर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डिड बाय आर ऊपर लिखने की बजाय नीचे भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आर स्क्र को मैं एम ओमेगा नॉट बाय ऐसे लिख गया तो ये सारा क्या बन जाएगा दट बी क्यू स्क् तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस वन बाई टू क्यू स्क्वायर तो आप ओमेगा डैश को क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये ओमेगा डैश आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रूफ कीजिए तो आप प्रूफ फिर ऐसे करेंगे सबसे पहले आप ओमेगा डैश निकालेंगे और फिर ओमेगा डैश निकालने के बाद यहाँ तब आपको ए मैक्सिमम नहीं निकालना है। ठीक है जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपने आंसर देना है बिल्कुल सिमिलर फैशन में अगर मैं बात करूँ किसकी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए तो जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए बात हुई वो क्या है फॉर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर अगर बात की जाए बिल्कुल सिमल फैशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे चार्ज की या तो चार्ज मैक्सिमम या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वो मैक्सिम मतलब आपके पास जो है वी सी फेजर दैट इज Q by C, Q इज इन फेजर नोटेशन और Q का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने X के एक्सप्रेशन की बात की थी तो आपके पास वन बाय सी एज इट इज और वहाँ क्या था वहाँ था एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम यहाँ क्या आ जाएगा ई नॉट बाय ओमेगा जेड ई फिर साथ में आ जाएगा एक्सपोनशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू लेकिन इस वक्त हम किसकी बात करेंगे इसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये भी एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर फैशन में चलेगा हाँ यहाँ ओमेगा जेड ई आपके पास किसके बराबर होगा दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी स्क्वायर ठीक है और जैसे आप पे सब्स्टिट्यूट करोगे ओमेगा इसके साथ है C भी है बात अलग तो लेकिन ओमेगा डिपेंडेंट फैक्टर आपके पास ये होगा ये जेड ई e की वैल्यू है और ये ओमेगा एज इट इज हमने ठीक है किया है। तो बिल्कुल वैसे ही ओमेगा जब अंडरूट के अंदर जाएगा इट वुल बी ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर, प्लस यहां ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस वन बाईगा सी स्क्वेर ठीक है होल अंडरूट दैट मीन वन बाय टू फिर जो ओमेगा स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है तो इन ए वे अब स्क्वायर के अंदर ओमेगा स्क्वायर जा रहा है तो जस्ट ओमेगा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एज इट इज प्लस अभी ओमेगा से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर स्क्वाल ओमेगा स्क्वायर स्क्वाल माइनस यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल वन बाई सी स्क्वायर रिस्टवा वन बाई टू ऐसा बन गया बिल्कुल वैसे ही है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वहां क्या था आपके पास जब हमने डिनोमिनेटर में बात की थी तो वहां आपके पास था दटवस वहां अगर बात करें वाज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस एस ऐसा निकल गया था स्क्वायर अंडर रूट ऐसा निकल के आया था अब देख लीजिए स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर है एम की बजाय एल है एस की बजाय वन बाय सी है बिल्कुल वैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे जब हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो आपने क्या बोला कि आपने मैक्सिमाइज करना है किसको इस वोल्टेज को वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रादर उसके भी एम्पलीट्यूड को या फिर सीधा वोल्टेज भी कह सकते हो तो उसको मैक्सिमम करने के लिए और वेरिएशन किसके साथ देख रहे With the frequency of the external driving force. External हो विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स यहाँ एक्सटर्नल ई एम एफ होगा विच इज द ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ तो उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मतलब ई इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनशियल आयाटोमेगा टी जो हमने कंसिडर किया था तो उसका ओमेगा कंसिडर किया जा रहा है तो ओमेगा जेड ई को मिनिमम होना है अगर इसको मैक्सिमम होना है और अभी मैंने आपको बताया ठीक है जेड ई की वैल्यू को सब शूट किया और ओमेगा को अंदर लेके गए तो आपके पास ये निकल के आया अभी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की अब अगर इसको मिनिमम होना है अंड्रूट वाले साथ के साथ तो आप ऐसा कीजिए अंड्रूट छोड़िए और इसको मिनिमम कीजिए मैंने पहले भी आपको यही चीज़ बताई थी और अगर सारे को भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पावर आगे पावर में से कम मतलब फर्स्ट डायरेटिव आप ज़ीरो करोगे तो पावर आगे पावर में से कम फिर इसके डायरेटिव की बात आएगी तो वही उसी तरीके से आप जब चलोगे तो वन बाय टू कंसिडर करना है कर लीजिए नहीं करना है नो no इशू दोनों केसेस में रिजल्ट आपके पास सेम रहेगा तो आपको क्या करना है इसको मिनिमम करना है तो इसके फर्स्ट डेरेटिव को जीरो करना है और डायरेटिव किसके साथ लेना है आपने ओमेगा के साथ तो ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्यर एल माइनस वन बाई सी स्क्वेयर इज मिनिमम तो इसका मतलब है इसका डरेविटिव आपको जीरो करना है बिल्कुल सिमिलर फैशन में आप ये आगे प्रोसीड करेंगे बिल्कुल तो वही चीज ये प्रोसीड करेंगे तो आप ओमेगा के साथ डायरेटिव लेंगे तो देखिए ओमेगा स्क्वायर का टू ओमेगा आर स्क्वायर एज इट इज फिर पावर आगे पावर इज टू पावर आगे पावर में से एक कम टू माइनस वन ये अंदर की टर्म जो है एज इट इज फिर साथ में इसका डायरेटिव मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वेयर का टू ओमेगा एल एज इट इज वन बाई सी का जीरो फिर दोनों टर्म्स में ओमेगा कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास इट्स आर स्क्वेयर और यहाँ टू एल और ये टर्म जो ब्रैकेट्स में है तो टू एल ओमेगा स्क्वेयर एल माइनस वन बाई सी सी ठीक है दैट इज जीरो नाउ टू ओमेगा कैन नॉट बी जीरो तो दिट हैजू बी जीरो सिमिलर फैशन बिल्कुल वैसे जैसे हमने फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर में बात की थी वैसे ही हम फोर्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात कर रहे हैं फिर आप क्या करेंगे इस आर स्क्वायर को दूसरी सहर ले जाएंगे माइनस आर स्कर और फिर टूवेल्व से डिवाइड करने के तो माइनस आर स्कर बाय टूएल्व ये टर्म आ गई आपके पास आपकी मेन आई कहाँ है ओमेगा के ऊपर क्योंकि आपने ओमेगा डिटर्मिन करना है वो ओमेगा जिसके ऊपर ये मैक्सिमम है तो आपने वही किया ये वन बाय सी को आप दूसरी साइड ले गए तो प्लस फॉर्म में आ गया वहां एस लेके गए थे फिर आपने क्या किया एल से डिवाइड कर दिया तो ओमेगा स्क्र वन बाय एल सी ठीक है और यहाँ भी आपके पास एल स्क्वेयर बन गया और वन बाय एल सी जैसे ही आपके पास आया ये किसके बराबर है दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वेयर जो अनडैम्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है राधर एंग्लो फ्रिक्वेंसी ये कंसिडर करने के बाद फिर आपने क्या किया ओमेगा नॉट स्क्यर कॉमन निकाला जो हमने अभी चीज़ कंसिडर की थी जैसे मैकेनिकल ऑसोलेटर के लिए तो यहाँ वन आ जाएगा और यहाँ ओमेगा नॉट स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आर स्क्यर को मैं डिनोमेटर में ले आया तो डिवीजन में आएगा तो ओमेगा नॉट स्केयर एल्स के डेयर में आर स्क्र ऐसा बन जाएगा और इतना होने के बाद जब आप बात करोगे ठीक है आप आर स्क्र को जब नीचे लेके आए ओमेगा नॉट स्क्र एल स्क्र डिवाइडेड बाय आर स्क्यर तो ये वाली टर्म बन जाएगी एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज क्वालिटी फैक्टर स्क्वायर क्योंकि ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर इज क्वालिटी फैक्टर तो देख लीजिए ओमेगा आपके पास ये आ गया बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे हमने पहले किया था तो ये चीज़ आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए ये दोनों में से एक क्वेश्चन के बार पूछा जाता है और ये जो फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर वाला है ये इस ये जो प्रूव करना है ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है इसके बाद अब हम करेंगे बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी विद ड्राइविंग फोर्स और अगर एल सी आर सर्किट में मतलब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करेंगे फोर्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करेंगे तो बिहेवियर ऑफ करंट विद ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आपके पास क्या था इट वाज एफ नॉट बा जेड एम एक्सपोनशल आयाटा ओमेगा टी माइनस फाइव और करंट के लिए बिल्कुल सिमिलर फैशन में करंट के लिए बात आ जाए तो करंट के लिए एक्सप्रेशन आपके पास एफ नॉट की बजाय क्या हो जाएगा ई नॉट जेड एम की बजाय जेड ई एक्सपोनेंशियल आयाटा ओमेगा टी माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल आयाटा ओमेगा टी माइनस फाइव और अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए तो आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए मैंने पहले लिख दिया है आर इंटू आई आई आपके पास ये है तो ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगी एंड वॉट आर द एम्पलीट्यूड अगर मैं वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड की बात करूं इट्स एफ नॉट बाई जेड एम अगर मैं करंट के एम्पलीट्यूड की बात करूं ई नॉट बाय जेड ई ठीक है और जेड एम और जेड ई की वैल्यूज हमें पता है एफ नॉट बाय जेड एम एंड ई नॉट बाय जेड ई ये एम्पलीट्यूड हैं ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और ये करंट एम्पलीट्यूड और जेड एम की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस ये हमें पहले से पता है जेड ई की वैल्यू ये भी हमें पता है. जो वेरिएशन है एक जैसे है इसीलिए मैंने दोनों एनालिसिस को पैरली कंसिडर किया है तो नॉ इसमें ओमेगा नहीं है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है ये इसी को देखना है आपने फ्रिक्वेंसी के साथ तो आप वेलोसिटी और करंट की बात पैलली कर जाओगे नो एट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज ओमेगा अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो तो ये वाला फैक्टर एम ओमेगा जीरो को अप्रोच करेगा और एस बाय ओमेगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा क्योंकि ओमेगा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक भी फैक्टर इन्फिनिटी हो गया तो इस सारे इस फैक्टर को इंफिनिटी बना देगा क्योंकि इंफिनिटी में जीरो ऐड करोगे तो इंफिनिटी रहेगा तो व्हाट विल होल टर्म विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी इसलिए एफ नॉट बाय इन्फिनिटी दैट मीन्स वेलोसिटी एम्पलीट्यूड विल अप्रोच टूवर्ड्सरो के ऊपर बात करूं तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में एम ओमेगा वाला एम उमेगा को अप्रोच कर, तो कर, तो कर जाता है तो सारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो इस केस में भी आपके पास जो है वेलोसिटी का वो क्या किसको अप्रोच कर जाएगा जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो चाहे मैं वेरी लो फ्रिक्वेंसीज की बात करूं चाहे मैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज की बात करूं दोनों केसेस में ये जो एम्पलीट्यूड है वो किस अप्रोच कर रहा है जीरो को दोनों केसेस में उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में करंट भी जीरो के अप्रोच करेगा जब ओमेगा जो है आपके पास जीरो या इंफिनिटी को अप्रोच करेगा इस केस में ओमेगा एल और वन बाय ओमेगा सी फैक्टर्स देखे जाएंगे अगर ओमेगा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ओमेगा एल जीरो हो जाएगा अगर ओमेगा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वन बाय ओमेगा सी इंफिनिटी हो जाएगा ठीक है अगर मैं ओमेगा जीरो को अप्रोच करवाता हूँ तो वन बाय ओमेगा सी इन्फिनिटी हो जाएगा रादर आई शुड लुक एट द फैक्टर इन्फिनिटी क्योंकि समथिंग नॉन जीरो बाय इन्फिनिटी इज ज़ीरो तो जब ओमेगा आपके पास जीरो को अप्रोच करेगा तो वन बाय ओमेगा सी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इसलिए आई ज़ीरो को अप्रोच करेगा जब ओमेगा इन्फिनी को अप्रोच करेगा तो ओमेगा एल वाला फैक्टर इन्फिनी को अप्रोच करेगा इसलिए आपके पास करंट जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ठीक है ये वैल्यूज आपके पास जीरो को अप्रोच कर रही हैं फिर तीसरा केस है क्या कि हम रेजोनेंस की बात करते हैं अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं रेजोनेंस का मतलब वी आर कंसिडरिंग ओमेगा एज गु ओमेगा नॉट और मैकेनिकल ऑसोलेटर के लिए क्या है एस अंडर रूट अगर मैं स्क्वायर करूं तो ओमेगा किसके बराबर एस बाई एम रादर ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज एस बाई एम तो मैंने यहाँ लिखा जैसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज एस m तो आप एम इधर ले लेजिए और ओमेगा नॉट इधर ले आइए तो आपके पास क्या बन जाएगा ओमेगा नॉट एम इज इक्ल टू एस बाई ओमेगा नॉट इस एम को इधर ले गए तो ये एम इधर आ गया और इसका एक ओमेगा यहाँ ले आए ओमेगा नॉट रादर तो यहां लिखा मैंने एम ओमेगा इसको एस है लेकिन किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात हो रही है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट और जैसे ही आपके पास ये होगा तो जो फैक्टर है आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस ओमेगा ठीक है ये ये एम ओमेगा एस बाय ओमेगा के बराबर है तो ये जीरो को अप्रोच जीरो बन जाएगा और ये आर स्क्वायर का वन बाय टू सिंपली आर बन जाएगा तो आपके पास एफ नॉट बाय आर बन जाएगा अगर मैं रेजोन पर बात कर रेजोनेंस पर बात करूं मतलब आपके पास जो डिस विलॉसिटी uh, एम्पलीट्यूड है वो क्या बन जाएगा दैट विल बी मैक्सिमम किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ओमेगा नॉट के ऊपर वो कितना होगा दैट विल बी एफ नॉट एवेट बाय आर ठीक है तो वेरिएशन अगर मैं लो फ्रिक्वेंसीज की बात करूँ ओमेगा अप्रोचिंग अप्रोचिंग टूअर्ड जीरो तो विलॉसिटी एम्पलीट्यूड अप्रोचिंग टूअर्ड जीरो और अगर मैं बात करूँ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमेगा अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी तब भी आपके पास विलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या है दैट विल अप्रोच टूअर्ड जीरो और ओमेगा नॉट के ऊपर बात करूँ देन दैट विल बी मैक्सिमम और कितना एफ नॉट बाय आर इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करूँ एट रेजोनेंस दैट मीन्स ओमेगा इज कू ओ ओमेगा नॉट विच इज वन बाईट एल सी इसका मतलब है ओमेगा एल इज टू वन बाय ओमेगा सी ठीक है ऑफ कोर्स ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है एम्पलीट्यूड के लिए दैट इज इज ई नॉट बाय बाय दिस अब ओमेगा ओमेगा एल इक्वल टू सी आ चुका है तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा आर स्क्र का वन बाय टू दैट इज सिंपली आर तो ये ई नॉट बाय आर रह जाएगा वहां एफ नॉट बाय आर रह गया था यहां ई नॉट बाय आर रह जाएगा तो यहां अगर बात की जाए आपके पास आ करंट एम्पलीट्यूड दैट इज ई नॉट बाय आर एट रेजोनेंस दैट मीज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट ये रेजोनेंट कंडीशन है एक्सेप्टर कंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल सीरीज अगर है आपके पास और जैसे रेडियो सेट्स में लगाते हैं आप ठीक है कोई भी रिसीविंग स्टेशन है तो उसमें अगर ये कंडीशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाती है तो मैक्सिम करंट उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिवेल्प होगा तो देट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टिंग दैट सिग्नल तो विल बी एक्सेप्टर सर्किट इन दैट वे हाँ आर की वैल्यू अगर कम कर देते हो तब आपके पास ई नॉट बाय और बढ़ जाएगा एट द सेम ओमेगा नॉट तो आर और ये आर डैश मैंने दो ग्राफ्स बनाए ठीक है एक आर और एक आर डैश के ऊपर तो आर डैश जो है वो ज्यादा है और आर जो है वो कम है तो आर के ऊपर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है और आर डैश के ऊपर एम्पलीट्यूड का दैट इज लेस तो ये भी चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए तो वेरिएशन रादर वही चीज़ अप्रोचिंग टर्ड्स ज़ीरो जो एम्पलीट्यूड है करंट का दैट विल अप्रोच टूअर्ड जीरो ओमेगा अप्रोचिंग टूअर्ड्स इन्फिनिटी जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो को अप्रोच करेगा यहाँ भी और ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट मतलब एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट विल बी मैक्सिमम तो करंट का वेरिएशन भी आपको पता लग जाना चाहिए किसके साथ विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ठीक है इधर मैकेनिकल ऑसिलेटर फोर्स्ट मैकेनिकल ऑसिलेटर और फोर्स्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर तो आज के लिए इतना